नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। राजस्थान GNM एडमिशन 2023-24 के लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से देखनी है, ठीक है। लिस्ट देखने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी और जो है फीस कितनी लगेगी, काउंसलिंग की डेट क्या है, ये सब कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही कट ऑफ कितनी जाएगी और जो है कॉलेज किस प्रकार आपको बनना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो एक नोटिफिकेशन आया है इसको देख लीजिए, ठीक है। JNM जो है प्रशिक्षण सत्र 2023-24 की प्रोविजन लिस्ट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत, ठीक है, अपलोड कर दी गई है वेबसाइट। और उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको देखना है। इस संबंध में किसी भी आपत्ति हो, किसी को भी जो है आपत्ति हो, 5 दिवस में मतलब 31 दिसंबर तक जो है आपको वेबसाइट पर जो है ईमेल जो इस पर जो ये जीमेल दी है इस पर आपको जो है आपको जीमेल कर देनी है, ठीक है। इसके पश्चात आपकी आपत्ति जो है स्वीकार कर ली जाएगी। मतलब आपके फॉरम में जो भी आपकी प्रॉब्लम मतलब आपकी मिस्टेक रह गई है, गलती रह गई है, मतलब नाम वगैरह में कुछ में भी जो है, तो आप जो है इस पर जीमेल कर दीजिए कि हमारे ये गलती हो गई है, ठीक है, उसको करेक्शन कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपको बता देता हूँ, आपके जो है लगभग 49,943 जो है जो सीटों पर जो है अस्थायी लिस्ट जारी की गई है। लगभग इतने स्टूडेंटों की लिस्ट जारी की गई। ये लिस्ट ओनली अस्थायी लिस्ट है क्योंकि ये फाइनल नहीं है कि इतने जो है सभी का जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जो ये लिस्ट कहाँ से देखी है, मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल सर्च कर लेना है या फिर जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। PDSU सीकर अपडेट आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। और जो है लिस्ट के बाद क्या करना है, आपको काउंसलिंग कब करवानी है ये भी बता देता हूँ। काउंसलिंग को लेकर अभी दोस्तों कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 5 जनवरी से पहले आपके पास 4 या 5 जनवरी से पहले आप 5 जनवरी को आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली है और फीस कितनी लगेगी ये बता देता हूँ। 500 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग की फीस लगेगी। आपको सभी को काउंसलिंग करवाना है। जिस प्रकार PTT की काउंसलिंग होती है BEd के लिए, उसी प्रकार इसकी काउंसलिंग होगी। 500 रुपये जो है फीस लगेगी, लेकिन जो है क्या पता आपको कॉलेज मिल जाए तो ये जो है आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। 500 रुपये जो है फीस काउंसलिंग की होगी, ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दोस्तों कट ऑफ जो है आप जो ये नंबर देखकर जो है देख रहे होगे कि बहुत स्टूडेंट हो गए, इतनी सीट नहीं है, तो क्या ना ज़्यादा जो है कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों इनमें से दो लगभग स्टूडेंट तो जो है जो अभी 12th के थी जो कोरोना में तो परसेंट अच्छे से तो बढ़ दिए उन्होंने फॉर्म, लेकिन दोस्तों इनमें से आधे लगभग 80% लोग ही काउंसलिंग करवाने वाले हैं। काउंसलिंग लगकर नहीं करवाएंगे तो फिर कट ऑफ नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट ईयर रही थी, लगभग 90 के आसपास, ठीक है। 90 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, लेकिन जितने भी आपके नंबर है आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है, ठीक है। 80 से ऊपर है तो काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। अब बात आती है जो सीट कितनी है। सीट दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज आपकी राजस्थान में जो है 16 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज आपके 160 कॉलेज है। तो इन सभी में जो है लगभग 9,000 सीट है, मतलब 1,000 सीट लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में है और 8,000 सीट लगभग प्राइवेट कॉलेज में है। तो आपको जो है अपने आसपास के जो कॉलेज है उसको फर्स्ट चॉइस देनी है। फर्स्ट चॉइस आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही देनी है, ठीक है। मिले या न मिले ये जो है बाद की बात है, लेकिन फर्स्ट चॉइस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करनी है ताकि जो है अच्छा रहे, ठीक है। फीस वगैरह भी कम लगे, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट चॉइस में करना है जो आपके आसपास है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बताऊँगा कि जो आपको जो इस काउंसलिंग के वगैरह की जो है जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चैनल पर मिलेगा। बाकी कोई जो है आपके डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो साथ। जय हिंद।